ब्रेक से वापस आ गए हैं, तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। आज आपने कहा? वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शहनीर शाहिद है। अरीबा शाहिद? इफ्रा शाहिद। मोहम्मद शाहिद। क्या करते हैं? मैं जो दुबई में होता हूँ, जॉब करता हूँ। कौन सी क्लास में? 5, 6। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। ओके जी, मुझे बताएं कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? तकरीबन 18 साल हो गए। माशाल्लाह। मुझे बताएं कि शादी मनाने का आलमी दिन किस तारीख को होता है? शादी मनाने का आलमी दिन किस तारीख को होता है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड? आई थिंक 14 फेब। वो तो वैलेंटाइन डे होता है। जिस दिन शादी होती है वही होता होगा। पूरी दुनिया में एक दिन होता है ना। तो शादी के बारे में अच्छा सा मैसेज दे सकता हूँ? ओके, ये ले लीजिए। तो मैं ये अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको ये मैसेज दूंगा कि जितने भी जो है न्यू कमर्स हैं, जो कि रिश्ता इस जवाब में जो है वो मुंसलिक होने जा रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि अपनी ज़िंदगी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से, एक फ्रेंडली तरीके से अपनी वाइफ को साथ ले कर चलें। अपना डिसीजन जितने भी हैं वो अपनी फैमिली को साथ ले कर चलें, अपनी वाइफ को जो है वो बताएँ, फिर उसको जो है हर तरह से इंटरटेन करें, पॉजिटिव तरीके से जो है उसके पेरेंट्स से, उसके जो है सिबलिंग से, जितने भी लोग से हैं वो उनको जो है एक पॉजिटिव तरीके से लेके जाएं, पॉजिटिव थॉट के साथ चलें, अपनी वाइफ से हर एक चीज़ शेयर करें। फिर हर जो है जैसे हम लोग इंटरटेन कर रहे हैं, जैसे मॉल में आ रहे हैं, अपनी फैमिली को लेके आएँ। ये मैसेज जो है मेरा पूरा जो है पाकिस्तान के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। अपनी थॉट्स को जो है हमेशा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोच के साथ जो है वो अपनी फैमिली को लेके चलें, तो जो है रिश्ता इज़्ज़त जो है वो अच्छे तरीके से चल सकता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। और आप क्या सुनाएंगे? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। इन चोरों की खूब खबर की, मोटे थानेदार ने मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। इन चोरों की खूब खबर दी, मोटे थानेदार ने मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। खाके पीते मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा पहुंचा सीधा कटके जेल में। खाके पीते मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों का डब्बा पहुंचा सीधा कटके जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी, रुस्सा रुस्सी छोड़ दो, जल्दी से एक पैसा दे दो, तू कंजूसी छोड़ दो। अच्छी नानी प्यारी नानी, रुस्सा रुस्सी छोड़ दो, जल्दी से एक पैसा दे दो, तू कंजूसी छोड़ दो। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गए, बहुत शुक्रिया। जी बहुत प्यारी फैमिली थी, बड़ा मज़ा आया, हमने उनसे बात की और बच्ची ने बहुत अच्छी पॉइंट सुनाई। अच्छा था, थोड़ी डिफरेंट पॉइंट थी, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। आपका नाम? सुफियान। क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। बेबी का नाम? शाहजेब। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। ओके, ठीक हो गया। चले जी, शॉपिंग करने आए हैं? जी बिल्कुल। क्या खरीदा? असल में हमारे बेटे की फर्स्ट बर्थडे, तो उसके लिए जरा आज है। नहीं नहीं, ये 10th को है। माशाल्लाह, उसकी शॉपिंग लिया है। ये हैप्पी बर्थडे इन एडवांस लड्डू। चले जी, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ओके, मुझे बताएं कि कितना टाइम हुआ शादी को? हमें ऑलमोस्ट 3 ईयर्स होने वाले हैं। इनकी एक बहुत अच्छी आदत बताएं। इनकी बहुत अच्छी आदत यह है कि मेरी हर बात मान लेती हैं इजीली। अच्छा, हर बात। और एक बुरी आदत? बुरी आदत ये है कि ये सोती लेट है रात। आप जल्दी सो जाते हैं? हाँ जी। चले, अब इनकी एक अच्छी और एक बुरी आदत बताएं। आदत वही बात है, हमारी बात मान लेते हैं, और नाइस आदत अच्छी है बहुत। और बुरी बहुत है, गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा आता है? किस बात पे ज़्यादा आता है? किसी भी बात पे अचानक से आ जाता है। चलें जी, मुझे बताएं कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है स्टमक। आप क्या शेयर करेंगे? मैं तो वैसे मैसेज देना चाह रहा हूँ
मैसेज यही है कि विंटर सीजन आ गया तो बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े ले लें और उनको प्रॉपर कवर करके रखें। ये मदर्स के लिए एक मैसेज है जो ये सुनती नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी मैसेज है। अच्छा, और आप? मैं कुछ नहीं, हम अपना ख्याल रखें, अच्छे से अच्छा ब्यूटीशियन के पास जाएं और ब्यूटीशियन के पास जाएं और ब्यूटी वाले बैठे। वेरी नाइस जी, ये ले लो और न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, थैंक यू जी। इनों के जो मैसेज, जो हस्बैंड वाला मैसेज था वो तो नाइस था, प्लीज़ अपने बच्चों को प्रॉपर कवर करें क्योंकि आप लोग उनको इस तरह बाहर ले जाते हैं ये सोच के, यार मुझे ठंड तो नहीं लग रही, तो बच्चे को भी नहीं लग रही होगी। अब बच्चा बोल तो नहीं सकता पर अंदर से वो आपको अच्छी खासी सुना रहा होगा कि भाई मुझे तो सर्दी लग रही है, मुझे तो जो है वो कवर करो, क्योंकि बच्चा जो है वो सेंसिटिव होता है। तो उनका मैसेज अच्छा था। और जो खातून ने बात की कि पार्लर वाली बात, तो भाई लड़कियाँ ज़रूर जाओ सैलून, डू मेंटेन योर सेल्फ, मैनीक्योर, पेडीक्योर, हेयर कट, और अपने फेस का बहुत ख्याल रखो और ज़रूर सैलून जाओ। किसी और से बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ताहिरा। आपका नाम? नज़र अली। बच्चे का नाम? जैन अली। माशाल्लाह, क्या करते हैं आप? स्टाफ रिपोर्टर हूँ। वेरी नाइस। और आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। कपड़े तो बड़े अच्छे पहने, रंग बिरंगे। थैंक यू। बहुत अच्छे कलर लगते हैं, मल्टी शेड्स। चलिए जी, मुझे बताएं कि इनकी एक अच्छी आदत बताएं। इनकी सब आदतें अच्छी है, तो ये खास जो बड़ी अच्छी हो तो ये कि क्या बताएं? शर्म आ रही है, आप बता दें। सब भी अच्छी आती है। एक बुरी आदत? गुस्सा बहुत करते हैं। बुरी फटाफट आ गई जहन में, आप इनकी बुरी बताएं। गुस्सा। गुस्सा, दोनों ही गुस्सा करते रहते हो। ओके, क्यूट। चले जी, मुझे बताएं कि जो हमारा हाथ है, हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा ताकत हमारी कौन सी फिंगर में होती है? सबसे ज़्यादा ताकत हमारा इसी फिंगर में होती है। कौन सी वाली? इसमें, इसमें। थम में? हाँ। आप बताएं। मेरे ख्याल में जो शहादत वाली सबसे छोटी वाली। क्लैपिंग करें भाई इनके लिए। चलें क्लैपिंग करें इनके लिए। क्या शेयर करेंगे? हाथ पाँव नीट करने का टूटका। हाथ पाँव के लिए है एलोवेरा की जेल, उसमें विटामिन ई का कैप्सूल डाल के उसको फिर वो हाथ पाँव पे लगाएंगे तो हाथ पाँव जो है वो काफ़ी नीट होते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। सर आपके शेयर मैसेज? मैसेज है, हम सबको मिल के इस मुल्क के बारे में और एक होके इस मुल्क को जो है ना आगे चलाना चाहिए। अपोजिशन में जो लोग हो सबको दरख्वास्त है कि एक होके और एक साथ बैठ के इस मुल्क के लिए कोई सोचे। और बहुत महंगाई हो रही है, इंशाल्लाह ताला ये भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। और इस वक्त मुल्क जो है ना मुश्किल के हालात में है और हम सबको मिल के इसके मुल्क के साथ देना चाहिए। ज़बरदस्त। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए शुक्रिया जी। नाज़रीन, इन्होंने जो है वो अच्छा मैसेज दिया है। मुल्क के हालात जो हैं वो इस वक्त थोड़े से नाजुक हैं, महंगाई हो रही है, तो अपने आप को बदगुमान ना करें, परेशान ना हो, इंशाल्लाह जो है सब ठीक हो जाएगा। अपनों का यही काम होता है कि बुरे वक्त में साथ दें, तो इस वक्त मुल्क जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हालात में, तो आप अपने मुल्क का साथ दें, इंशाल्लाह ये वैसे ही दोबारा से हरा भरा हो जाएगा और चीज़ें जो हैं वो दोबारा से सेटल हो जाएंगी। और जो आंटी ने मशवरा दिया हाथों पाँवों के लिए, तो वो ज़रूर करना चाहिए। लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं अगर उनके हाथ पाँव वेल मेंटेन हो। तो किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हादी अली वारिस। हादी, क्या करते हो? सॉन्ग दोस्तों के साथ, बस टाइम पास। खाने खाते रहते? पढ़ते नहीं हो? नहीं, स्टडी छोड़ दिया सेकेंड ईयर। क्यों? वैसे ही अपना कारोबार कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी, अपना कारोबार है तो पढ़ाई भी करो, तो उसको भी तो टाइम देना ना। साथ साथ दोनों चीज़ों को लेके चलो, स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं एक चीज़ को पहले ज़्यादा फोकस देना चाहिए, तो वो पढ़ाई है। वैसे कैसे हो स्टडीज़ में? बहुत अच्छे। तो फिर ज़रूर पढ़ो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर पढ़ो। 2 साल की स्टडी 5 साल में कर लो, मगर पढ़ो। ओके, चलो जी, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? हाँ, पहले सवाल करूँगी ना। मुझे बताओ वो कौन सा शख्स था जिसने सबसे पहले टेलीस्कोप से खला में देखा था? मार्कोनी। क्या सुनाएंगे गाना? तेनू प्यार तो वद मैं ते प्यार करा,
तेनू सजदा सोने लख वार करां जे तू दिन नू कह दे किते रात माही मैं ते रात समझ इतबार करां मैं तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है मैं तेरे लिए अपने दूर करे ओ मैं तेनु किन्ना चाहनी आ ए गल तेरी सोच तो परे। इसके बाद मैं पाकिस्तान के लिए एक मैसेज दूंगा कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते तो हम क्यों सोचे कि कोई पाकिस्तान के लिए क्या करेगा। पहले खुद कुछ करना चाहिए फिर किसी को कुछ कहना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप डैम के बारे में सोचें दोस्तों और फिर अपने बारे में। शुक्रिया। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। यू वेलकम जी। बहुत अच्छा मैसेज दिया कि डैम पे जरूर जो है वो पैसा डोनेट करें और स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो स्टडी जरूर करें किसी भी चीज को कि हमारे बाप का बिजनेस है हम लैंडलॉर्ड हैं नो कोई रीजन फजूल है सब रीजन डू स्टडी क्योंकि पढ़ाई जो है वो हमेशा काम आती है। पैसा और प्रॉपर्टीज आने जाने वाली चीज़ है मगर तुम्हारा जो इल्म है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता तो इसलिए इल्म हासिल करो। जी नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया मुझे लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। आप लोगों के साथ टाइम कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। खैर आपके जो दो सवाल हैं आखिर वो कौन सा जानदार है जो स्पेस पर जिंदा नहीं रह सकता तो वो है बर्ड। बर्ड जो है वो स्पेस पर जिंदा नहीं रह सकता जिसने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं बर्ड सर्वाइव नहीं कर पाता। दूसरा सवाल कि वो कौन था जिसे सबसे पहले स्पेस पे देखा था टेलीस्कोप से तो वो था गैलीलियो। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अपना फेवरेट प्रोग्राम बूजो तो चीतो थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखना है। अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।